हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, बहुत सारे फार्मर हैं जो कमेंट भी करते हैं और फोन भी करते हैं, जैसे कि बहुत सारी मछलियों का जो हाइब्रिड आया है, जैसे कि कॉमन कार्प का, अमूर कार्प रोहू का, जयंती रोहू, तो इस टाइप से वो फार्मर का क्वेश्चन रहता है कि क्या हाइब्रिड ग्रास कार्प भी मछली आती है। तो फार्मर के दिमाग में क्या होता है कि जब हाइब्रिड शब्द आता है तो वो क्या सोचते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने वाली मछली। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं, सर क्या आपके पास हाइब्रिड ग्रास कार्प मिल जाएगा? तो आज की वीडियो में हम आप सबको वही बताएंगे कि क्या हाइब्रिड ग्रास कार्प का सीड आता है या नहीं आता है। तो किसान भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। तो किसान भाई देखिए, जो ग्रास कार्प है, ग्रास कार्प का एक ही वर्जन है, केवल ग्रास कार्प, इसका कोई हाइब्रिड वर्जन नहीं आता है। अगर ग्रास कार्प के ब्रूडर, जो ब्रूडर सही साइज के हो और सही उम्र के हो और अच्छे से उनकी ब्रीडिंग कराई गई हो, तो उसके जो सीड होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, वो ही एक हाइब्रिड में गिनती आ जाएगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। तो ग्रास कार्प का कोई हाइब्रिड वर्जन नहीं है, जैसे कॉमन कार्प का, अमूर कार्प। तो किसान भाई, आशा करते हैं ये वीडियो देख करके आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर हासिल हुई होंगी। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704। तो किसान भाई, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।